हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं ये है जीरेनियम। जीरेनियम के फ्लावर बहुत सारे कलर्स में आते हैं। मेरे पास इसके काफ़ी कलर अवेलेबल हैं। ये देखिए, शेड में भी होता है, वेरिएंट रेड कलर में है, पीच कलर में है, इधर वाइट में है, ये देखिए गुच्छे में है, और इधर पिंक में गुच्छे में है। एक ये इसका रेड और वाइट शेड है। तो मेरे पास के काफ़ी कलर हैं। ये देखिए, थोड़ा डार्क पिंक है, इधर लाइट पिंक है। तो जीरेनियम एक विंटर सीज़न फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी थोड़ी केयर की जाए तो ये आपका सालों तक आपके घर पे बना रह सकता है। ये देखिए, जो आप प्लांट देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हाइट वाला, ये मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है। ये विंटर्स में बहुत फ्लावरिंग देता है, और इसमें जो फ्लावरिंग होती है गुच्छों में होती है। ये मैंने नर्सरी से सैम्पलिंग ली थी इस प्लांट की, इसलिए ये कम हाइट का है। और इसमें मैंने एक रेड मेहरून है, ये डार्क मेहरून कलर, एक ये रानी कलर लिया था, और बाकी के जितने भी प्लांट्स हैं ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है कम केयर में आराम से आपके घर में सर्वाइव कर लेता है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे, जब आप प्लांट लाएं तो उसकी सॉइल मिक्स कैसे बनाएं। इन प्लांट्स के लिए मैंने गोबर की खाद थोड़ी यूज़ करी है, थोड़ा गार्डन सॉइल यूज़ किया है, और थोड़ी सी इसमें सैंड भी मिलाई है। तो इन तीनों के मिक्सचर से मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाया है, फिर इस प्लांट को इसमें लगा दिया है। जो नर्सरी से ख़रीदे हुए प्लांट हैं उनको मैंने डायरेक्ट लगाया है, और जो कटिंग से ग्रो करे हुए प्लांट हैं उनको मैंने थोड़ा सा रेते की क्वांटिटी ज़्यादा मिला के लगाया है। ये फ्लावरिंग प्लांट पहाड़ों में ज़्यादा देखा जाता है, यानी ठंडे प्लेस में ज़्यादा मिलता है, और हमारे एरिया में गर्मियों में ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करें, इसको थोड़ा शेमी शेडेड एरिया में रखें और गर्मी से बचाएं, तो ये प्लांट आपके घर सालों साल तक बना रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसका नया प्लांट बना सकते हैं। ये कटिंग के साथ साथ बीज से भी ग्रो हो जाता है। यहाँ पे इसकी सीड पॉड बनती है, उसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, और फिर लास्ट ईयर में उसको उसके बीज जर्मिनेट करके नया फ्लावरिंग प्लांट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर इसकी कटिंग से ही इसको लगाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी इसकी गर्मियों में इसको शेमी शेडेड एरिया में रखती हूँ, और जहाँ धूप कम आती हो उस एरिया में रखती हूँ। सर्दियों में ये बहुत धूप में रखे जाते हैं, और गर्मियों में इसको छाया में रखना पड़ता है। और ये जो प्लांट हैं दिसंबर से लेके मई तक फ्लावरिंग देते हैं। और ये देखिए, एक प्लांट में कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। ये एक ही प्लांट है जिसमें इतनी सारी फ्लावरिंग हुई है, और एक प्लांट ये है जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको क्या करना है, जो इसकी सूखी हुई डाल है इसको आप हटा दीजिए। तो जब ये पूरे फूल सूख जाएंगे तो मैं इसको नीचे से इस तरीके से तोड़ के अलग कर दूँगी, क्योंकि ये जो हमारी ये वाली डाल है इसमें अब कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, और हमें अभी सीड पॉट भी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे सीड पॉट बन रहे हैं, ये देखिए, ये इसके सीड पॉट हैं। तो अभी हमें सीड्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इस वाली सूखी हुई डाल को हटा देंगे, ताकि नई नई शाखाएं निकलें और नई नई बर्ड्स निकलें, ताकि आपका जो प्लांट है ये पूरा फूलों से भर जाए। मैं सूखी हुई डालों को इसी तरीके से निकालती रहती हूँ, सूखे हुए फूलों को अलग कर देती हूँ। तो देखिए कितनी सारी इसमें कलियाँ आई हैं, और ये पूरा फूलों से भर जाता है प्लांट। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और प्लांट्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको इसको समय समय पे फर्टिलाइज़ करना भी ज़रूरी है। मैं इसमें सरसों की खली यूज़ करती हूँ, एक मुट्ठी सरसों की खली मैं 1 लीटर पानी में भिगो के रखती हूँ, कम से कम 1 से 2 दिन रखती हूँ। फिर उसके उस पानी को मैं छान लेती हूँ, फिर उस पानी का 5 गुना, यानी 1 मग पानी अगर मेरा सरसों की खली का है तो उसमें 5 मग सादा पानी मिलाती हूँ, यानी जो नॉर्मल वाटर है
वो मिला के सारे प्लांट्स को देती हूँ। और आपको प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र देना है वो पॉट के अकॉर्डिंग देना है, यानी इस वाले पॉट में एक ग्लास फर्टिलाइज़र बहुत है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना है। अगर आपका पानी ड्रेन आउट होने लगे तो काफ़ी है। आप किचन वेस्टेज का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में बहुत सारी वेस्टेज निकलती है, जैसे प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, आलू के छिलके, इनको भी आप पानी में भिगो के फिर उसको उसमें नॉर्मल पानी मिला के आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र आते हैं लेकिन मैं अपने ज़्यादातर प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। केले के छिलकों को भी आप पानी में भिगो के रख सकते हैं और उनको भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, लेकिन ये सारे फर्टिलाइज़र आपको एक साथ नहीं देने हैं, 20 से 25 दिन के गैप में देने हैं। अगर आप जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी और सारे फूल भी झड़ जाएंगे। इसलिए कम क्वांटिटी में देना है फर्टिलाइज़र और टाइम पीरियड 20 से 25 दिन के बीच में देना है। इसलिए आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी ज़रूर दीजिए। इसको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है पानी कैसे दें। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें सैंड मिलाते हैं ताकि इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनी रहे। और पानी अगर इसमें रुकेगा तो इसकी स्टेम ख़राब हो जाएगी, इसकी जड़ से रूट रॉट हो सकता है और आपका प्लांट भी सूख सकता है। अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और सीज़न में उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपके प्लांट में रूट की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए तुरंत ताकि आपका जो प्लांट है वो सेफ़ बना रहे। मैंने इसी तरीके से अपने सारे प्लांट को सेफ कर रखा है और ये देखिए ये भी बहुत सुंदर सुंदर कलर में आते हैं। तो मेरे पास के लगभग 8 से 9 कलर अवेलेबल हैं और मैं इस वाली बेंच में मैंने देखिए सब जेरेनियम लगा रखा है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसको सेव भी करके रखूँगी। मैंने लास्ट ईयर ये 2 प्लांट सेव करके रखे थे, देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आया है, ये देखिए वेरिएंट रेड कलर का है। एक प्लांट मेरा ये सेव है लास्ट ईयर का और एक प्लांट ये सेव है। जो लास्ट ईयर का प्लांट है उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा हो गई है, ये देखिए इसी की मैंने 1-2 कटिंग भी लगाई हैं। तो इस तरीके से आपको अपने जेरेनियम प्लांट की केयर करनी है। और आप इसको जो रिपोर्ट करते हैं जब आप इसको गमले में लगाते हैं तो इसको थोड़े बड़े गमले में लगाया जाता है। मैंने यहाँ पे 10 इंच के गमले में इन सब प्लांट्स को लगाया है। आप इसको 8 इंच से लेके 12 इंच तक के गमले में लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप अगर आप ये प्लांट लाते हैं तो आप इसी तरीके से उसकी केयर करिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।